अक्सर लोग कहते हैं पहाड़ों में यादें बनानी नहीं पड़ती, किससे कहानियाँ खुद ब खुद बन जाती है। ये कहानी है हमारी सिक्किम ट्रिप की, जिसकी शुरुआत होती है कंचनजंगा के गोद में बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर से। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप लोग? दिस इज दीप एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप स्विमिंग व्लॉग्स, वेर यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो आज हम लोग आ चुके हैं सिक्किम के वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशंस पेलिंग में। हमने हमारा सफ़र 25 नवंबर को कोलकाता से स्टार्ट किया था और ये 8 दिन का हमारा सिक्किम का टूर बहुत ही लंबा होने वाला है और इसमें हम आप लोगों को पेलिंग, रावांगला, नामची, गैंगटॉक सभी कुछ बताने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको पेलिंग का शेयर कराते हुए उसके साथ साथ जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पेलिंग बजट में कैसे पहुंच सकते हो, रास्ते में आपको कौन से बेहतरीन स्पॉट्स मिलेंगे जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, लोकल साइट सीइंग के लिए आप टैक्सी वगैरह कहाँ से ले सकते हो जो कि आपका बजट में फिट होगा। उसके साथ साथ हमको ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपको बेस्ट व्यूज़ के साथ होम स्टे कहाँ मिल सकता है, पेलिंग के ऐसे कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। सो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और शुरू करते हैं पेलिंग का यह शानदार सफ़र जहाँ से हमने हमारे ट्रिप की शुरुआत की थी। पेलिंग विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मई, बट अगर आप पेलिंग में स्नोफॉल देखना चाहते हो तो आप जनवरी और फरवरी में यहाँ विजिट कर सकते हो, बट पेलिंग में हर साल स्नोफॉल नहीं होती है, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लक। क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी थे तो इस टाइम हमने चूज़ किया नवंबर के इन में सिक्किम विजिट करने का, और हम निकल पड़े हमारे होम टाउन कोलकाता से हावड़ा स्टेशन के लिए, जहां से हम एनजीपी के लिए अपनी ट्रेन पकड़ने वाले हैं। कोलकाता से एनजीपी के बहुत सारे ट्रेन चलती है इंक्लूडिंग वंदे भारत, तो आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो। हमारी ट्रेन कामरूप एक्सप्रेस बिल्कुल टाइम से स्टेशन में पहुँच जाती है और 11 घंटे के खट्टे मीठे सफर के बाद हम सुबह 5 बजे उतर जाते हैं एनजेपी स्टेशन में। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन, ठीक है, और यहां से आपको सिक्किम जाना है या नॉर्थ बंगाल जाना है, दार्जिलिंग वगैरह, पेलिंग, गैंगटॉक सब जगह के लिए यहां पे आप देखो पीछे आपको टैक्सी मिलेगी, पूरा लाइन से टैक्सी लगा हुआ है। छोटी टैक्सीज भी हैं, बड़ी टैक्सीज भी हैं, आपको इनोवा वगैरह मिल जाएगी अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो। अब यहां से आपको आगे जाने के लिए 3 ऑप्शन है। एक तो आप डायरेक्ट टैक्सी रिजर्व कर सकते हो, छोटी टैक्सी का आपको अराउंड, अगर आप गैंगटॉक जा रहे हो तो आपको 3500 से 4000 के आसपास लग जाएगा, और अगर बड़ी इनोवा वगैरह लोगे तो आपको 5.5 तक भी लग सकता है, 5.5 से 6 तक, डिपेंडिंग अपॉन योर बार्गेनिंग स्किल्स। सिंगल हो या छोटी ग्रुप में हो, एक दो लोग हो, तो आप शेयर टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो, उसका भी आपको पेलिंग और गैंगटॉक दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम प्राइस लगेगा, अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ पर पर्सन लग जाएगा। और यहाँ से सिक्किम जाने के लिए आपके पास चीपेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ से आप टैक्सी पकड़ के जाओगे पहले एसएनटी बस स्टैंड सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से आपको बहुत सारे बसेस मिल जाएंगे अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए, बट हर जगह के लिए नंबर ऑफ बसेस डिफ़र करती हैं और टाइमिंग्स भी डिफ़र करती हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा जब भी आप जा रहे हो। क्योंकि अगर पेलिंग के लिए बात करें तो बस एक ही बस चलती है वहाँ पर, गैंगटॉक के लिए बहुत सारी बसेस चलती हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको प्राइस अराउंड 250 से लेकर 350 तक लग सकता है। और अगर आपकी प्लानिंग है कि आप मल्टीपल डेस्टिनेशंस के लिए जाना चाहते हो, मतलब पूरा सिक्किम टूर करना चाहते हो या फिर नॉर्थ बंगाल का पूरा टूर करना चाहते हो, जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पेलिंग, फिर पेलिंग से रावांगला जाएंगे, फिर नामची जाएंगे और उसके बाद फिर गैंगटॉक जाएंगे, तो अगर इस तरह का आपका कुछ प्लान है तो आपके पास एक और ऑप्शन है और वो है यहाँ से पैकेज लेने का। यहाँ आपको टूर गाइड्स जो भी ट्रैवल एजेंसीज हैं बहुत सारे मिल जाएंगे, तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ आप बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी आपको होटल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में आपको टैक्सी वगैरह भी देते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप हमारी तरह एक गाड़ी बुक कर सकते हो, जैसे हम लोग 4 लोग हैं तो हम लोग छोटा गाड़ी बुक किया हुआ यहाँ से। सो भाई लोग, जैसे कि हमने आपसे बताया था, संतोष जी हैं इनके साथ हमने बुकिंग किया हुआ है, अभी पूरे 8 दिन इन्हीं के साथ रहेंगे, यही हम लोग को घुमाने वाले हैं पूरा सिक्किम, पेलिंग, रावांगला, नामची, गैंगटॉक पूरा। और इनके साथ कैसे, अगर आप भी बुकिंग करना चाहते हो तो कैसे करना है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में इनका भी डिटेल्स मिल जाएगा। तो आपको अगर बुकिंग करना है इनसे तो एक तो आप हमको अपना इटिनरी भेज सकते हो, हमारे आईडी भी भेज सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट इनको जो डिस्क्रिप्शन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम निकलते हैं फटाफट से क्योंकि यहाँ पर जाम हो रहा है, देखो तो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं।
हमने 28,000 रुपीज़ में पहले ही संतोष जी से वेगनार बुक कर लिया 4 hours 8 days सिक्किम ट्रिप आफ्टर बार्गेनिंग, यानी हमको टैक्सी का पर डेज कॉस्ट अराउंड 3,500 रुपीज़ पड़ा, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप बाय फ्लाइट पेलिंग पहुंचना चाहते हो तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोरा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी और फिर यहां से 4,000 टू 5,000 रुपीज में 4-seater या 6-seater टैक्सी बुक करके पेलिंग पहुंच सकते हो और शेयरिंग में आपको 1,000 रुपीज पर पर्सन के अराउंड लग जाएगा। और अगर आप गैंगटॉक से पेलिंग आना चाहते हो तो आपको देवरली या बाजरा टैक्सी स्टैंड से पेलिंग के लिए 350 टू 400 रुपीस पर पर्सन के रेट पे शेयर टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप टैक्सी रिजर्व करते हो तो 3,500 टू 4,000 रुपीस लग जाएगी फॉर 4-seaters। अब हमारी टैक्सी तो ऑलरेडी बुक थी पूरे सिक्किम टूर के लिए फ्रॉम NJP टू NJP, तो हमने बस सामान लोड किया और सुबह 6 बजे के करीब निकल पड़े सिलीगुड़ी से पेलिंग के लिए। यहाँ से संतोष जी बता रहे हैं कि हम लोग को 5-5.5 घंटा लग जाएगा पेलिंग पहुँचते पहुँचते, और बीच में हम लोग नाश्ता करने के लिए भी रुकेंगे क्योंकि जल्दी यहाँ से निकलना बेटर होता है, जाम कम लगता है। तो अभी इसीलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से सिलीगुड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे रुक के नाश्ता वगैरह करेंगे और संतोष जी से थोड़ा बहुत और भी बात करेंगे। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक या पेलिंग के रास्ते में आपको बहुत से ऐसे ब्यूटीफुल पॉइंट्स मिलते हैं जहां आप कुछ देर रुक सकते हो और पिक्स भी ले सकते हो। अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो शायद आप इन जगहों पे ना रुक पाओ, बट अगर आप अपनी व्हीकल में हो तो सेवोक रोड में लोकेटेड कॉर्नेशन ब्रिज या सेवोक रोड वे ब्रिज पे एक स्टॉप लेना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को संतोष जी ने बताया कॉर्नेशन ब्रिज है, जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, गाड़ी वगैरह आ रही है। और ये देखो आप, यह ब्रिज यहाँ पे, यहाँ इस साइड भूटान चल जाता है, ठीक है, और अगर पीछे साइड जो हम लोग का रास्ता में हम लोग जा रहे थे, सुनो भाई तो, हम जा रहे भूटान, ठीक तुम लोग जाओ सिक्किम, तो हम लोग अभी वो सिक्किम के लिए ये रास्ता जाता है, देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। सिक्किम के लिए इस साइड का रोड चल जाएगा ऊपर साइड, और इस साइड भूटान के लिए चल जाता है ये रोड। इस ब्रिज को तिस्ता नदी के ऊपर 1941 में बनाया गया था और आज ये नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग एंड कलिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। ब्रिज पे तिस्ता रिवर के ठंडी हवाओं और बेहतरीन नजारों से मन तो भर गया था बट पेट अभी भी खाली था, इसलिए हम जल्दी से रेस्टोरेंट की खोज में निकल पड़े। बट पहाड़ों में 8 या 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट मिलना ही मुश्किल होता है, पर शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें जल्दी ही रेस्टोरेंट भी मिल गई। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे हमने मंगा लिया है तंदूरी रोटी विद सब्जी और आलू पराठा विद दही और साथ में चाय में चीनी थोड़ा कम है तो चीनी हमने डाल दिया खुद से, वो देखो मिठास बढ़ाने के लिए, और उसका भी टेस्ट भी अच्छा है। और ब्रेकफास्ट का लोकेशन भी हमने अच्छा चूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन है, मौसम बहुत सही हो रखा है, अभी ठंड थोड़ी लग रही है, जैकेट अभी काम चल रहा है यहाँ पे, तो अब आगे जाके देखेंगे कितना ठंड पड़ता है। सो गाइस, खाना बहुत ही अच्छा था, स्पेशली इन नज़ारों के साथ खाना खाने का अलग ही मज़ा आ रहा था ब्रेकफास्ट का। स्पेशली यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आलू पराठा और दही जरूर मतलब मंगा लेना, बहुत ही सही लगा हम लोग को, टेस्ट बहुत ही अच्छा था, साफ सुथरा था। नज़ारों को निहारते निहारते हमें पता ही नहीं चला कब हम सिक्किम इंटर कर गए, और जोरथंग पहुँचते पहुँचते तो गर्मी भी लगने लगी। तो पेलिंग जाने के लिए इधर जोरथंग होके जाना पड़ता है? हाँ जी सर, ये सब थोड़ा गर्मी वाला जगह है। अच्छा, यहाँ पे मतलब ऊपर ज़्यादा ठंडा रहता है, इधर कम थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा प्लेन वाला टाइप का हो गया इधर। गाड़ी में बैठे बैठे हम भी बोर हो गए थे, बट फिर गेजिंग से थोड़ी दूर पहले लेक सिप में हमारी गाड़ी रुकी कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल के पास,
और टेंपल पहुंचने के लिए बनी हैंगिंग ब्रिज और नीचे बहती रंगीत रिवर को देखकर तो हम सब की थकानें मिट गई। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस जगह में भगवान शिव जी ने अर्जुन को महाभारत में विजय होने का आशीर्वाद दिया था। हम भी शिव जी का आशीर्वाद लेके वापस जा ही रहे थे, तभी हमें पता चला यहाँ नदी तक भी जा सकते हैं। तो फिर क्या था, हम सब नीचे पहुँच गए नदी के किनारे। इस जगह की शांति और खूबसूरती को देखकर सच में ऐसे लगा कि सिक्की माना सफल हो गया। जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं था, बट हमें फिर से आगे निकलना पड़ा पेलिंग के लिए। यहाँ से रास्ते भी बहुत ही स्टीप और ट्विस्टी हो गए। कई जगह तो सड़क भी बहुत ही खराब कंडीशन में थी, बट किसी तरह हिलते डुलते हम फाइनली पेलिंग इंटर कर गए। गजब लग रहा है, अभी 5 घंटा 6 घंटा का सफर करने के बाद अभी हम लोग फाइनली पेलिंग पहुंच चुके हैं। और जितना भयानक गाड़ी चलाया संतोष जी ने, हम लोग तो बोले कि अब गए तब गए। हम लोग अगर गाड़ी लेके आएंगे ना चलाने, अच्छा भी होगा तो बेस्ट गाड़ी भी होगा, 10-15 बार गिरा ही देंगे इधर से। यहाँ पर एक बार फिसलने का मतलब है बस दोबारा चलाने का मौका नहीं मिलेगा। पेलिंग में हमने द ब्लू हेवंस होमस्टे ऑलरेडी कॉल पर बुक कर लिया था, जो कि बार्गेनिंग और डिस्काउंट के बाद हमें सिर्फ 1200 रुपीज पर नाइट के रेट में मिल गया। और होमस्टे के बेलकोनी से कंचनजंगा का नजारा देख के तो हमारी भूख भी गायब हो गई। होमस्टे में क्या फैसिलिटीज है, डाइनिंग वगैरह कैसा है, और अगर आप भी इसे बुक करना चाहते हो तो डिस्काउंट कैसे मिलेगी, ये सब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें हम इस ब्यूटीफुल होमस्टे के बारे में आपको सारी डिटेल्स देंगे। और अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। पेलिंग में अपनी पहली सनसेट कॉफी के साथ एंजॉय करने और रात को कड़कड़ाती ठंड झेलने के बाद अब बारी थी पेलिंग में साइट सीइंग की। तो फटाफट से हम ब्रेकफास्ट कर लिए और 8:30 तक निकल गए साइट सीइंग के लिए। संतोष जी, अभी हम लोग फर्स्ट कहाँ जा रहे हैं? स्काई वॉक जा रहा है। अच्छा, तो गाइस पहले हम लोग अभी सुबह सुबह निकले हैं तो स्काई वॉक ही पहले जा रहे हैं। इधर से थोड़ा नजदीक पड़ता है क्या? हाँ जी सर। अभी सुबह का 9:30 बज रहा है तो सुबह को ही व्यू ले लेंगे, क्लियर रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। और पीछे क्या हाल है? बहुत ठंडी है और कुछ नहीं है अभी। अगर आपने सिलीगुड़ी या गैंगटोक से ऑलरेडी पैकेज या टैक्सी बुक नहीं की है तो साइट सीइंग के लिए आपको पेलिंग के पेलिंग रिम्बी रोड के अलोंग बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएगी, लाइक द सिक्किम क्लोवर टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां से आप टैक्सी 2500 से 3500 रुपीज में वन डे के लिए बुक कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर्ड। पेलिंग स्काईवॉक में एंट्री के लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा और इसमें आपका कैमरा वगैरह या फिर फोटोज़ वगैरह का सभी का चार्ज इंक्लूडेड रहता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप स्काईवॉक जो कि क्लास में बना हुआ है बहुत ही प्यारा है, उसमें आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, पीछे बुद्धा स्टैचू दिख रहा होगा। पेलिंग स्काई वर्क सिर्फ पेलिंग का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आइकॉनिक स्पॉट है, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट क्लास स्काई वर्क ऑफ इंडिया, जिसे 2018 में ओपन किया गया था। और यहाँ से जो किलर व्यूज आपको कंचनजंगा के मिलेंगे वो तो आप देख ही रहे हो। स्काई वॉक के साथ यहां 137 फीट ऊंची चेंडेजिंग की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, जो कि भगवान बुद्धा के ही अवतार मानी जाती है। यहां पहुंचने के लिए आपको 200 स्टेयर्स चढ़ने पड़ेंगे, बट बिलीव मी गाइज इट्स टोटली वर्थ इट। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉनेस्ट्री के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, सो इसलिए हम लोग भी रूल क्रॉस नहीं करते हैं और आपको इसलिए अंदर जाके नहीं दिखा पाए। बट गाइज सच में बहुत ही अच्छी है जगह, आप आइएगा तो बहुत ही पीसफुल है। यहाँ से ऑरेंज गार्डन जाते हुए रास्ते में हमें एक छोटा सा झरना मिला, जिसे यहाँ रिम्बी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। बट अभी विंटर सीजन होने की वजह से यहाँ ज़्यादा पानी नहीं था, तो हम यहाँ रुके नहीं, आगे बढ़ गए। गाइस नाउ वी हैव रीच्ड द ऑरेंज गार्डन और यहाँ से नीचे जाना है, आप लोग दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ से पूरा नीचे जाना है, थोड़ा देर वॉक करना है तब जाके आप गार्डन के मतलब वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर ऑरेंज एक्चुअली लगे हुए हैं। यहाँ पे टिकट का प्राइस 30 रुपीज़ पर पर्सन है और यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है, हाँ ये देखो 500 रुपीज़ फाइन इफ़ यू प्लक एनी ऑफ द ऑरेंजेस। तो भाई खरीद लो यहाँ से, ऑरेंज खरीदना है तो ऑरेंज जूस वगैरह सब कुछ मिलता है, बट तोड़ना नहीं गलती से भी। पिकनिक स्पॉट जैसा है, आप देख सकते हैं ऊपर गार्डन और नीचे रिवर, और फ्लो देखिए पानी का कितना ज़्यादा है। यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, आप लोग देख सकते हैं टेंट,
इधर देखिए यहाँ आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं। एंड हम पहले पूछ लेते हैं कैंपिंग के चार्जेस। आइए काम आपको कैंप भी दिखा देते हैं भैया। चार्ज कितने लेते हैं? 1500। अच्छा 1500 यहाँ पे पर पर्सन लेते हैं। आप लोग अगर चाहते हो तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो और इसके जस्ट आपको नीचे रिवर का व्यू भी मिल जाएगा। थैंक यू। आप लोग किधर गए? हम यहीं रह जाएंगे। बोल रहे थे नेपाली लग रही है। देखो गाइस हम यहीं पे रहने वाले हैं, आप लोग रहिए रहना, एकदम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इन लोग अब कोलकाता जाने देते हैं, हम यहीं रह जाते हैं, ठीक है? ओके मैम, तो आप बताइए आपके दुकान में कौन कौन से जूस है? पहले इधर में ऑरेंज का जूस है ये वाला, ओके, और ये लीची का है मैडम, इधर देख सकते हैं, कीवी वाला है, गुआवा वाला है, स्ट्रॉबेरी वाला है, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो ले सकते हैं। मैम ऑरेंज जूस का कितना रहेगा प्राइस? ऑरेंज जूस का 50 रुपीज़। टेस्ट मीठा है। ऑरेंज गार्डन से निकलते निकलते दोपहर हो गई थी तो हमने लंच भी बगल के छोटे से रेस्टोरेंट में कर लिया और फिर आगे निकल पड़े पेलिंग को एक्सप्लोर करने। तो गाइस घूमते फिरते हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं जो कि आप पीछे देख सकते हो, कंचनजंगा फॉल्स। रोड थोड़ा खराब है इधर आते वक्त, ये देखो हम लोग इस साइड से आए हैं, इस साइड से पूरा आए हैं और पहाड़ी के ऊपर जितना धूप था यहाँ पूरा एकदम वक्त बदल गया, मौसम बदल गया, सब कुछ बदल गया है। दोबारा से हमने जैकेट पहन लिया है यहाँ पे। और गाइस अगर आप लोग ऊपर देख पाओगे तो वहाँ पे जिप लाइनिंग भी होती है, कोई बहुत बड़ा जिप लाइन नहीं है, ये वो छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन क्रॉस कर रही है और फॉल्स के पास में आपको ले जाके छोड़ देगा थोड़ा देर के लिए। और सेल्फ पिक्स वगैरह भी वहाँ से लेते हैं ये लोग खुद से, क्योंकि वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, हम लोग को दिखा देंगे सामने से। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हमने टोपा लगा लिया अपना और यहाँ से है हम लोग को ऊपर जाना है, आप देख सकते हो। बट पहले आपको टिकट काउंटर में यहाँ टिकट लेना पड़ेगा और टिकट पर पर्सन टिकट कितना है शायद? अच्छा 20 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ आपको टिकट लेना पड़ेगा, देन आपको यहाँ ऊपर जाना है। हम भी औरों की तरह नीचे से दिख रहे फॉल्स को मेन कंचनजंगा फॉल्स समझ रहे थे और यहीं से वापस जाने वाले थे, बट ऊपर पहुँचने के बाद जो नज़ारा हमको देखने को मिला उसे बयां करना तो मुश्किल है। तो गाइस इसको बोलते हैं फुल पैसा वसूल। ये देखो पूरा फॉग आ रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, पूरा धुंध आ रहा है, यहाँ पे पानी के छींटे एकदम चेहरे पे आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखो फुल चिल मार रहे हैं और गजब कम यहाँ पे एकदम सीनरी है, क्राउड भी कम है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है और पीछे आप देख ही सकते हो एकदम फॉल से सामने है, ये देखो नीचे आप पानी दे सकते हो, एकदम करीब आए हुए हैं। कैसा लग रहा है अभी तक तो पेलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन है ये लग रहा है अभी उनको। मतलब लग रहा था कहाँ हम लोग पहाड़ों पे आए हैं और पहाड़ों पे आते आते यहाँ पे झरना भी देख लिया हमने, गजब एकदम। यहाँ से निकलते निकलते शाम हो चली थी तो हम जल्दी से निकल पड़े हमारे लास्ट स्पॉट खेचोपुरी लेक के लिए। सो गाइस यहाँ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खेचोपुरी लेक के पास, इस साइड है लेक, ठीक है, और यहाँ पे प्रेयर वगैरह भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करेंगे। बट यहाँ तक आने के लिए आपको अराउंड 500 to 800 meters चल के आना पड़ता है अंदर पार्किंग से, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचते हो। खेचोपारी लेक बुद्धों और हिंदुओं दोनों के लिए एक पवित्र झील मानी जाती है। कहा जाता है अगर आप यहाँ अपना कुछ भी विश मांगते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है और इसलिए इसे विशिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। हमें लगा खेचोपारी लेक के साथ ही पेलिंग में हमारा साइट सीइंग खत्म हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे सुबह हम होटल से चेकआउट करके राबांगला के लिए निकले ही थे कि हमारे ड्राइवर ने हमें दो और काफी अमेजिंग स्पॉट्स सजेस्ट किया जो कि रास्ते में ही पड़ता है। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए पेलिंग के एक और पॉपुलर स्पॉट पेमियांगसी मॉनेस्ट्री। और गाइस मॉनेस्ट्री आने से पहले आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ पर पर्सन का चार्ज आपको 50 रुपीज़ लगेगा और अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो, मतलब गाड़ी तो आपका होता ही है, चाहे आप रिजर्व में आओ या फिर अपना गाड़ी हो, तो उसका अलग से आपको पार्किंग 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा।
ये सिक्किम के वन ऑफ द ओल्डेस्ट और फेमस मॉनेस्ट्रीज में से एक है। पेमियांगसी शब्द का अर्थ होता है परफेक्ट प्योर लोटस, जहाँ केवल प्योर लिनियज के मॉन्ग्स ही रहते हैं, और शायद इसलिए अभी भी यहाँ कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। पेमियांगसी मॉनेस्ट्री से नीचे आते हुए हमें रास्ते में ही मिल गए हमारे आज के सेकंड और पेलिंग का लास्ट स्पॉट सिदक्योंग तुलुक बर्ड पार्क। यहाँ से एंट्री करना है, बगल में टिकट काउंटर है और पर पर्सन 100 रुपीज़ आपको चार्ज लगेगा यहाँ एंट्री का फॉर इंडियन नेशनल्स, और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है, और चाइल्ड के लिए भी कुछ प्राइस है हम लोग मेंशन कर देंगे, 25 रुपीज़ है बिलो 14 अगर एज है। तो चलिए एंट्री करते हैं। इस बर्ड पार्क को 4 दिसंबर 2017 में ओपन किया गया था। सो अगर आप नेचर लवर हो और आप डिफरेंट स्पेसिस के बर्ड्स को देखना पसंद करते हो तो ये बर्ड पार्क आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको मैक्सिमम बर्ड्स विदेशी प्रजाति के ही मिलेंगे, जैसे कि वाइब्रेंट पैराकिट्स, मेजेस्टिक फेजेंट्स एंड ब्यूटीफुल हॉर्नबिल। बर्ड पार्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप वापस आओगे तो उसी रास्ते में 600 मीटर्स के वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा राप्टेंसी रुइंस। राप्टेंसी वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ द फॉर्मर किंगडम ऑफ सिक्किम, जिन्हें गोरखा सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया, और आज यहाँ राप्टेंसी पैलेस के बचे कुचे अवशेष ही देखने को मिलता है। बट फिर भी इस जगह की शांति और खूबसूरती आज भी टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करती है। बर्ड पार्क कवर करते करते ऑलरेडी 12 बज चुके थे, तो हमें पेलिंग से रावांगला के लिए निकलना पड़ा। हमने पेलिंग के इस ट्रिप में लगभग सभी अच्छे स्पॉट्स को कवर कर लिया था, सिवाय एक के, विच इज द सिंगसॉट ब्रिज, जो कि पेलिंग से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। तो आपको यहाँ जाने आने में भी 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। सिंगसॉट ब्रिज एक हैंगिंग ब्रिज है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, और ये ना सिर्फ सिक्किम के हाईएस्ट ब्रिज है बल्कि पूरे एशिया की सेकंड हाईएस्ट ब्रिज भी है। ब्रिज के दोनों तरफ की पहाड़ियों का व्यू, नीचे बहती नदियों की गदगदाहट और तेज बहती हवाओं का आपसे टकराना आपको एक अलग ही अनुभव देगा। सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक दिन का समय हो तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सो आई होप आपको पेलिंग ट्रिप से जुड़ी बहुत सी यूजफुल जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप भी पेलिंग विजिट करते हो तो पेलिंग में आपका कितना खर्चा हो सकता है, क्योंकि हम बस 2 नाइट्स पेलिंग में रुके थे और साइट सीइंग भी बस एक दिन की ही की थी, और दूसरे दिन रावांगना के लिए निकल गए थे। तो 4 लोगों के लिए हमारा टोटल खर्चा 12,000 से 14,000 के करीब हुआ। इस हिसाब से अगर आप पेलिंग में 2 डेज साइट सीइंग के लिए प्लान करते हो तो पर पर्सन आपको होटल और खाने का 3 से 4 हजार और साइट सीइंग के लिए टैक्सी का 1,500 से 2,000 तक लग सकता है। सो आपका टोटल बजट पर पर्सन 4,500 से 6,000 रुपीज का होना चाहिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट आगे की वीडियो में हम आपको रावांगला, नामची, गैंगटोक, नाथुला सभी जगहों की हमारे साथ सैर कराने वाले हैं। तो दीप सुमी ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।